नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक प्रताप सिंह में। तो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि अपने फ़ोन से किसी भी PDF फाइल के साइज़ को कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं। तो जानने के लिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है और क्या एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर हमें इस PDF के फाइल के साइज़ को कम करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहली बात यह कि जब आप किसी ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर कहीं पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो PDF फॉर्म में अपलोड करना है और उसका जो साइज़ है वो 1 MB और 2 MB के विदिन रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने फ़ोटो को या डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। दोस्तों, एक बात यहाँ बता दूं आपको, अगर आपको नहीं पता है कि अपने फ़ोन से कैसे स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करेंगे तो उस पर हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसे जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है PDF कंप्रेसर ऐप। आप जैसे ही इसे आप टाइप करते हैं तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। वहाँ पर जाने से आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखता है, ये देखिए ब्लू कलर का, जो कि यहाँ पर है कंप्रेस PDF नाम से। आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे ओपन करूँगा, और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर में राइट कॉर्नर पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने सारे PDF हैं उनका जो है जो सैंपल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके फ़ोन में कितने सारे PDF हैं, वो आपके डिवाइस में हो या फिर SD कार्ड में हो, मेमोरी कार्ड में हो, जहाँ भी हो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मान लीजिए हमें ये जो फाइल का साइज़ है, ऊपर में देखिए इसका साइज़ कितना दिया है, 1017.73 KB, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 MB के करीब है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे कंप्रेस करेंगे। तो उसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल जो है अपलोड होने लगेगी। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसे जब भी करें इंटरनेट के कनेक्शन के साथ करें। तो अब देखिए जो फाइल है वो अपलोड होने लगी। अपलोड होने के बाद कुछ समय बाद ये जो फाइल है वो कंप्रेस होके, यानी कि साइज उसका रिड्यूस होके आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है डाउनलोड फाइल, तो देखिए ये लिखा है 467.52 KB फ्रॉम 1017.73 KB, यानी कि जो हमारी 1 MB की फाइल थी वो रिड्यूस होकर आधे से भी कम में हो गई। तो इस तरह आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन से किसी भी PDF के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।